तो अब आप मुझे ये बताएं कि एट द मोमेंट यू केटरिंग फॉर यूके यू सो मेरे पा यू एस उनका फैशन तो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट होता है ब्रिटिश फैशन से तो क्या आपने कभी सोचा कि आप उनको भी टारगेट करेंगे जी बिल्कुल सोचा हुआ है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर है ऑल ओवर द मेन मार्केट्स के आपने यू नो कैटर करना है लेकिन ये है कि इस, उनका फैशन नोट डाउट डिफरेंट है बिल्कुल है लेकिन एट द सेम टाइम मेरा फैशन यूके फैशन भी नहीं है अच्छा आपका आपका क्या फैशन है ये फ्यूजन फैशन है मिक्सचर जी एग्जैक्टली यू कैन मेक द सेम ड्रेस इन एनी कंट्री एशिया मिडल ईस्ट के अंदर आ जाए वहाँ पहन सकते हैं यही आप यूके में पहन सकते हैं यही है अमेरिका में क्योंकि इट्स अगेन एज आई यू ये पीस होते हैं वन ऑफ होते हैं ज्यादातर हाँ। और इसमें वो चीज़ नहीं कि मुझे कोई एक हजार पीसेज एक जैसे बनाने हैं और फिर मुझे एक स्पेसिफिक मार्केट के लिए बनाने हैं ठीक है जब मैं रेडी टू वेयर करूंगा उसके अंदर फिर मुझे सोचना होगा कि ठीक है ये मेन स्ट्रीम में अगर टॉप शॉप का स्टाफ यहाँ पे क्या बिक रहा है और वहाँ पे क्या बिक रहा है mm -hmm. और जो पोलो की कलेक्शन आ रही है वो वहाँ से mm -hmm. यहाँ आ रही है वो वहाँ ज्यादा पॉपुलर है यूएस में बनस्पत यूके के okay. तो कुछ और टेंशन नहीं होती अच्छा सही है सेंस <Makes sense. laughs>, <Okay>. <laughs> by, by, like, the, the for, um, Designers, so tell me about it more. My very first fashion week was Women and Fashion Week last year. Mm -hmm. Or well, वेरी फर्स्ट टाइम इट वॉज वेरी एक्साइटिंग उसको फिर लंडन फैशन वीक था और लंडन फैशन वीक में बहुत सारे डिजाइनर्स थे ना सिर्फ यूके बेस्ड थे लेकिन इटली से भी आए हुए फ्रांस से भी आए हुए तो ठीक है उनके साथ काम करने के बड़ा एक्साइटमेंट थी लेकिन बहरेन फैशन वीक वॉज समथिंग रियली ह्यूज फॉर मी और द वे दे ट्रीट इड एज अ रॉयल्टी और आपको पता है कि एशियन और बहुत अच्छा वैसे भी रिलेशनशिप है उस वेस पर काफी, पे काफ़ी वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा मजे कर रहा क्योंकि वहाँ पे मॉडल्स जो थी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लाई अच्छा, करते आई हुई थी चेक रिपब्लिक से भी यहाँ से ब्रिटेन से भी इंडिया से भी पाकिस्तान mm -hmm. से भी तो बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सपीरियंस दैट्स वेरी नाइस ओके अब आप मुझे ये बताएं कि हु वुड यू लाइक टू ड्रेस डिज़ाइन अ ड्रेस फ्रॉम हॉलीवुड बॉलीवुड एंड ऑफकोर्स लॉलीवुड

सो इट्स नॉट दैट की सिर्फ बॉलीवुड के बारे में बात करें <laughs> बॉलीवुड में भी ऐसा होता है हर कोई इंसान है <laughs> well, है ठीक भी पूछा गया था नहीं 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 था सवाल गंदम जवाब मिला मिला नहीं ना सो अभी अच्छा तो अब आप हमें ये बताएं कि आप चैरिटी के लिए क्या क्या करते हैं मैंने काफ़ी सारे शोज हैं चैरिटीज़ के लिए किए हैं जिसमें ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है टीम चैरिटी यूके है ईडी फाउंडेशन है डीएसपीए है काफ़ी नेमली और मैं बिलीव करता हूँ कि जब आप एक सोसाइटी का हिस्सा हैं और से आगे आते हैं तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सेम सोसाइटी तो किस किस तरह आप करते हैं इवेंट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज तो चैरिटी वाले ख़ुद करते हैं और एक लोकेशन पे अच्छे कोई होटल लेके अच्छे वेन्यू पे हुँ. फिर वहाँ पे वो एडवर्टाइज करते हैं कि ये डिज़ाइनर आ रहे हैं इनका शो है वहाँ पे और इसलिए फिर वो टिकट सेल करके और फिर वहाँ पे हम फैशन शो करते हैं शोकेस करते हैं तो हुँ. उसमें ठीक है चैरिटी को के लिए फंड इकट्ठा होता है और हमारी प्रमोशन होती है ओके दस देश आई से के हमेशा जरूरी के इंसान मोनिट्री टर्म्स से ही चैरिटी uh, के लिए हेल्प करे और बह, भी बहुत से तरीके होते हैं मतलब आप uh, खुद वर्क कर सकते हैं कुछ चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उस जगह पर जाके लोगों की मदद कर सकते हैं लाइक health-wise, food-wise, or even other things. It's not that you have to be rich. You know, you have to be I mean? rich by heart, yeah, actually. Yeah, as I said, that dil wada hona chahiye You know, pocket the fir Allah taala pe badi badi kar den Anyways, it was. Um, well, I would like to also ask you about your website, which is. उमर मंसूर डॉट कॉम जहाँ से आपके क्लाइंट्स uh, चाहें तो कपड़े ले सकते हैं खुल जी, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वन ऑफ चाहिए कोई उनका कोई आर इवेंट जिसके लिए उनको चाहिए कोई स्पेसिफिक ड्रेस कुछ और mm -hmm. बनवाना हो तो आई हैव अ कॉन्टेक्ट पेज ऑन माय वेबसाइट चलो ठीक है ये तो हो गया हमारा काम तो फिर दैट्स इट फॉर टुडे इट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस टू हैव यू ऑन म्यूजिक जंक्शन आई होप यू एंजॉयड योरसेल्फ इट वाज अ प्ले फॉर मी एंड आई होप एवरीवन एल्स एंजॉयड सो लास्ट पीस ऑफ एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव एनीवन फॉर दिस यह फर्स्ट ऑफ ऑल बिलव इन योर सेल्फ बिकॉज फैशन इज़ ऑलवेज कम्युनिकेटेड थ्रू स्लम मॉडल्स टॉल गर्ल्स और साइज़ ज़ीरो साइज़ फोर मॉडल्स यूज होती हैं जबकि हर लड़की हर खातून रियल लाइफ में साइज़ ज़ीरो की नहीं होती ना ही इतनी टॉल होती है और बी कम्फर्टेबल विद योर स्किन और जो आपके साथ बेहतर चलते हैं कलर सिर्फ वही पहने प्योर फैब्रिक्स पहने ब्रिथेबल फैब्रिक्स पहने और uh, इस सीज़न के लिए आईवरी वाइट

लोअर टोन और ब्रिथेबल फैब्रिक्स अच्छा ठीक है ना ये बहुत जरूरी है कि प्योर फैब्रिक hmm. हो अगर वो पॉलिएस्टर का जॉर्ज होगा मिक्स फैब्रिक तो उसके अंदर आपको पसीना भी आएगा और फिर True. वो इची हो जाएगा ओके थैंक यू वेरी मच फॉर अ गुड पीस ऑफ एडवाइस आई होप इट वाज ऑफ हेल्प गाइस सो दैट्स इट फॉर टुडे इट वाज वेरी नाइस टू हैव यू ऑन म्यूजिक जंक्शन एंड दैट्स इट एंड टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू सून I hope you enjoyed the show and the chit chat with Omar Mansour. Next week I will be giving you lots more surprises, so watch out for that. Till then take care of yourself and always respect your others. Be fearful and thankful to God. Me signing out. Tada!